तो मोदी अपनी फौज कश्मीर से लेके निकल जा, अब नहीं निकलेगा तो तुझे और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसे 10 दिन भी नहीं हुए, 5 फरवरी को लाहौर में आतंकी हाफिज सईद ऐसे ही थमका रहा था, जो पाकिस्तान की सरकार और सेना की गोद में परसों से खेल रहा है और भारत का खून बहाता रहा है। ये एक बहुत बड़ा मरहला है, ये फैसला कुन मरहला है। ट्रंप जा रहा है मोदी को अकेला छोड़कर। मसला आज ये है, बहुत परेशान है मोदी, कि अमेरिका जाएगा अफगानिस्तान से तो मेरा क्या बनेगा। मैं उसको कहता हूं, जो तेरा हक है इंशाल्लाह वही कुछ मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकी 5 फरवरी को बेधड़क रैलियां कर रहे थे, कश्मीर के नाम पर आतंकवाद के लिए लोगों को उकसा रहे थे और भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे थे। तो क्या तुम मुझे ये बात बतलाओ, तुम कश्मीरियों के काम आने के लिए तैयार हो? क्या तुम उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उनके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो? और आखिरी बात यह है, कश्मीरियों को पाकिस्तान की मजहबी जमातों से कोई गिला नहीं, कश्मीरियों को हजरत हाफिज सईद साहब से कोई गिला नहीं, कश्मीरियों को सिराजुल्लाह साहब से कोई गिला नहीं। कश्मीरियों सुन लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हजरत श्रीनगर तक जाने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, मोदी को भगाने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, परचम इस्लाम को श्रीनगर के पर लहराने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। ये जिहादी आतंक पाकिस्तान में पाला पोसा जाता है और वहां से इस सोच को कश्मीर में भरा जाता है, जिसमें इस्लाम के नाम पर वो आत्मघाती हमलावर तैयार होते हैं जो कश्मीर को इराक, सीरिया और अफगानिस्तान बनाने में लग गए। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।